एक लड़की बहुत तेज चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी। वो नींद में होती है। नमस्कार, मैं हूँ नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से। आज की जो सच्ची घटना है वो घटना है आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम की। एक लड़की सोए सोए नींद में चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगी। ये आवाज़ जब साथ में रह रहे उसके माँ बाप के कानों तक जाती है तो माँ बाप दौड़ते हुए बेटी के पास पहुँचते हैं और उसे उठाते हैं कि तुम नींद में थी, तुम बुरा सपना देख रही थी, उठ जाओ, सब ठीक है। बेटी ज़ोर से अपने पिता को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पिता पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। और ये पहली बार नहीं था कि वो लड़की इस तरीके से जो है सपना देखते हुए तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, घबरा जाती है। एक बार उसी लड़की का जो पड़ोसी था विजय, जिसे वो चाचा कहकर बुलाया करती थी, उसके घर पर कोई भी नहीं था और लगातार उस लड़की का सामने वाले पड़ोसी घर में आना जाना था। वो सामने वाले विजय और उसकी पत्नी को चाची चाचा कहकर बुलाया करती थी और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आया जाया करती थी। एक दिन जब उस लड़की के घर पर कोई नहीं था और साथ ही साथ विजय के भी घर पर कोई नहीं था, विजय जो है लड़की को कहता है रात के 9 बजे कि बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ मेरे पास, अकेले मत रहो, थोड़ी देर में घर चली जाना जब तुम्हें सोना हो। बच्ची चाचा के पास चली जाती है। वहाँ जाती है तो चाचा लड़की को कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आया हूँ, फ्रिज में जो तुम्हारा मन करे, जो भी कोल्ड ड्रिंक तुम्हें पीनी है तुम पी लो। 3-4 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स फ्रिज में पड़ी हुई थी। लड़की एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल उठाती है और कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। कोल्ड ड्रिंक पीते ही लड़की को चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाती है। रात के 9 बजे से 1:30 बज जाती है। 1:30 बजे जब लड़की को होश आता है, लड़की देखती है कि ये मैं कहाँ पर हूँ और उसके चाचा, जिसको वो चाचा कहती थी, विजय नाम का वो व्यक्ति, वो उसके ऊपर होता है। लड़की उसे साइड करने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से नहीं हटता। लड़की तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, तो विजय कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई और अगर तुम चिल्लाई तो ये देखो मैंने तुम्हारे जो है तस्वीरें ले ली हैं, मैं इसे लीक कर दूँगा। चाचा जिसको वो कहती थी, वो व्यक्ति जो है ये घिनौनी हरकत करता है और उस लड़की की अर्धनग्न तस्वीरें ले लेता है और लगातार उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। लड़की कहती है ठीक है मैं इस वाक्य के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ आप इस पिक्चर्स को डिलीट कर दो। लेकिन चाचा ने कहाँ मानना था। लड़की चुपचाप अपने घर रात को 1:30 बजे 2 बजे वापस आ जाती है और लगातार विजय जो है उन पिक्चर्स को लेकर उस लड़की को ब्लैकमेल करता है और जब चाहा, जब उसके घर पर कोई नहीं होता उसके घर पर जाकर उसके साथ गलत काम करता है और जब विजय के घर पर कोई नहीं होता तो उसे अपने घर पर बुलाकर उसके साथ गलत काम करता है और लगातार उसके साथ बार बार रेप किया जा रहा था। और उस बच्ची को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं ये बात बताऊँ तो बताऊँ किसको। जब वो नींद में घबराने लगती है, जब विजय जो है ये बात अपने एक दोस्त को भी बता देता है और दोस्त भी इसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाकर उस लड़की को इसी तरीके से ब्लैकमेल करने लगता है। धीरे धीरे लड़की जो है ये सब सहन करते करते जो है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और एक दिन दोबारा से उस लड़की को वही सपना आता है 15 अप्रैल 2021 को। तेज तेज नींद में रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, माँ बाप आते हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम्हें आखिरकार इस तरीके के सपने क्यों आते हैं, प्लीज़ हमें बताओ। बाप जो है बेटी को गले लगाकर रोने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या है, बात क्या है, बताओ। बेटी पिता को बताती है वो बात जो उसके साथ 2018 से होता आ रहा था। 2018 का वो वाक्य कि किस तरीके से पापा जब आप घर पर नहीं थे, चाचा के घर पर भी कोई नहीं था, चाचा ने मुझे अपने घर बुलाया और मेरे साथ ये सब कुछ किया और मेरी अर्धनग्न फोटोज़ उनके फ़ोन में हैं और लगातार मेरे साथ यही सब हो रहा है। बाप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में पुलिस स्टेशन जाता है और संबंधित धाराओं में उस विजय के खिलाफ, जिसे वो अपना छोटा भाई मानता था, पड़ोसी था उसका, उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में एक FIR लॉन्च करवाता है। विजय को जेल हो जाती है लेकिन कुछ ही समय बाद विजय जो है जेल से आ जाता है, बेल लेकर वापस आ जाता है।
अब जब भी वो लड़की उसे देखती वो घबरा जाती। जब भी विजय उनके सामने आता वो इस तरीके से उसकी हंसी होती थी कि देखकर पूरा परिवार घबरा जाता कि इसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। लेकिन वो लड़की धीरे 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 डिप्रेशन में जाने लगती है। एक दिन फिर से वो नींद में बहुत ही ज़्यादा तेज़ चिल्लाने लगती है। सुबह के 6 बजे होते हैं। पिता जो है घर से एक कुल्हाड़ी उठाता है और सामने वाले पड़ोसी के घर एंटर करता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सामने वाले पड़ोसी विजय के पिता जो है वो पहले दरवाजे पर आता है, पहले उसे उस कुल्हाड़ी से काट देता है और उसके बाद विजय की पत्नी आती है उसे काट देता है, विजय की 4 महीने की बच्ची जो बेड पे लेटी हुई थी उसे काट देता है। ये आवाज़ें सुनकर जब विजय की सास बाहर आती है उसे काट देता है और उसके एक दूर के रिश्तेदार जो वहाँ मौजूद थी उसे भी काट देता है। एक के बाद एक लगातार 6 लाशें लड़की का पिता वहाँ पर बिछा देता है और वहाँ से आ जाता है। कुछ ही टाइम बाद एक पड़ोसी जो है विजय के घर पर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है बाहर ही खड़े होके कि कोई बाहर आएगा, लेकिन अंदर से ना तो कोई आवाज़ आई ना ही दरवाज़े पर कोई आया हमेशा की तरह। जब वो अंदर जाके देखता है तो एक के बाद एक ज़मीन पर, बेड पर, टेबल पर लाशें बिछी हुई पड़ी होती हैं। खूनम खून जो है घर हुआ होता है। ये देखकर वो पड़ोसी घबरा जाता है और साथ की साथ हल्ला मचाता है, जिसके बाद सारे आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस मौके पर आती है, छानबीन शुरू कर देती है कि आखिरकार ये 6 मर्डर्स, परिवार का इतना बेरहमी से कत्ल किया तो किया किसने। कत्ल के दिन विजय घर पर नहीं था। लगातार पुलिस छानबीन करने में लगी होती है। सुबह 6 बजे का ये वाक्य होता है और 10 बजे पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि सर मैंने 6 कत्ल किए हैं, जिनमें से एक 4 महीने की बच्ची भी थी। ये सुनते ही पुलिस दंग रह जाती है कि आखिरकार कोई 6 कत्ल कर अपने आप को सरेंडर क्यों करेगा, क्योंकि वो पिता अपनी बेटी के साथ हुए बलात्कार का बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने नहीं देखा कि वो किसका कत्ल कर रहा है और कौन उसके सामने आ रहा है। उसकी बेटी ना तो चैन से सो पाती थी, हंसने खिलने वाली बेटी, पढ़ाई में इतनी अच्छी बेटी, ना किसी से बोलती थी। वो देखकर वो पिता रह नहीं पाया और एक के बाद एक 6 लाशें बिछाकर पुलिस को जाकर सरेंडर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर खबरें जब ये उठी, उस व्यक्ति का फिलहाल हालांकि केस जो है कोर्ट में चल रहा है, लगातार कोर्ट की तारीख पर तारीख आती हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी जो है रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया है, कोई फैसला इसका अभी तक सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, हर जगह ये खबर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ लोगों का इस पर ये भी कहना था, अफसोस जता रहे थे लोग कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर हमारी न्यायपालिका जल्दी न्याय दे देती तो शायद वो पिता जुर्म करने से बच जाता, शायद उस बच्ची के साथ इस तरीके की हरकत ना होती। न्याय पाने के चक्कर में लोग और जुर्म को अंजाम दे देते हैं। आप लोगों की ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एक पिता ने ये जो किया इसे कितना सही और कितना गलत मानते हैं। हमारा मकसद किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था कि किस तरीके से हमारे अपनों में ही कई बार भेड़ियों के शक्ल में जो है लोग छुपे होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। तो अपने बच्चों को अवेयर ज़रूर करें कि किसी के भी क्लोज बिल्कुल भी इस तरीके से ना जाएं, और माँ बाप समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग ज़रूर करें, क्योंकि अगर वो लड़की अपने माँ बाप के काफ़ी क्लोज होती तो वो पहले दिन ही ब्लैकमेल होने की बजाय अपने पिता को आकर सब कुछ बता देती, जो कि बताने में वो काफ़ी लेट हो गई जब वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने लगी, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। तो ये सच्ची घटना थी आंध्र प्रदेश के ज़िले विशाखापट्टनम की। फ़िलहाल कोर्ट में केस चल रहा है, तारीख पर तारीखें आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला निकल कर सामने नहीं आया है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से, सहयोगी राहुल के साथ, मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा।